लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर किसी के मन में इस बात को जानने को लेकर ख्वाहिश है कि भाई अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से सोनिया गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली हैं, तो आखिर अमेठी और रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है, ऐसा हो सकता है कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस सीट पर सोनिया गांधी हमेशा से चुनाव लड़ती रही हैं। तो आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता था कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी इस चुनावी मैदान में रायबरेली से उतर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर उनकी तरफ से उतरा जाता है, कोई ना कोई वो चाहता है कि गांधी परिवार का ही कोई शख्स जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन ऐसे में अगर वो नहीं उतरते हैं तो वो कौन कौन से नाम हैं जो निकलकर सामने आ रखे हैं कि हो सकता है कि रायबरेली और अमेठी से लड़े। तो देखिए, सबसे पहला नाम रायबरेली से जो निकलकर सामने आ रहा है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इतना ही नहीं, उनको मैदान में इसीलिए उतारा जा सकता है क्योंकि एक पिछड़ा वर्ग जो है उसे सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रायबरेली के अंदर अगर हम बात करें, जिस तरीके से रायबरेली में आज तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, क्या वही फैक्टर की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, और क्या वर्चस्व जो सोनिया गांधी का रहा था वो स्वामी प्रसाद मौर्य कवर करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ अगर कुछ और नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आ रहे, देखिए स्थानीय समीकरण के लिहाज से कांग्रेस के नेता केएल शर्मा के नाम पर भी जो है विचार किया जा रहा है। केएल शर्मा जो है बड़े नेता कहे जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं के हिसाब से जो है रायबरेली सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ जो है अमेठी और रायबरेली को कहा जाता है, और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी शख्स पर जो ऐसा दाव लगाया जाए ताकि वो ये चुनाव हार जाए, क्योंकि रायबरेली सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कांग्रेस के लिए है। अब कांग्रेस के सामने जो है अपनी साख को बचाने की सबसे बड़ी जो है कोशिश होगी। दूसरी तरफ क्योंकि सोनिया गांधी का गढ़ है, ऐसे में अगर केएल शर्मा या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर दाव लगाया जाता है तो कहीं वो हार ना जाए, क्योंकि आप ये याद कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आखिर किस तरीके से विवादित बयान जो है वो हमेशा से दिए जाते रहे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर रखी है। दूसरी तरफ अमेठी सीट की बात करें, क्योंकि वैसे तो अमेठी से क्या राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। और क्या अमेठी से राहुल प्रियंका के अलावा जो है अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसमें किन किन का नाम निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, प्रियंका के चुनाव ना लड़ने से जो है पार्टी कांग्रेस विधायक दल की नेता है आराधना मिश्रा, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और विधानसभा के उम्मीदवार विजय पासी का नाम जो है वो रेस में है। ये तीन नाम है, एक बार फिर से समझिए, आराधना मिश्रा, दीपक सिंह और विजय पासी का नाम जो है वो रेस में काफी आगे चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में अब अमेठी और रायबरेली से किसको जो है चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की ये जो है दो सीटें ऐसी रही हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो बहुत कम ऐसे चांसेस रहे हैं जब हारे। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेठी की अगर हम बात करें तो वहां से स्मृति ईरानी जो है वो चुनावी मैदान में होंगी, तो क्या उनके सामने आराधना मिश्रा या विजय पासी जो है वो चुनावी मैदान में उतर पाएंगे और जीत दर्ज कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने होगी। हालांकि देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वाराणसी से अजय राय, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, बाराबंकी से तनुज पुनिया, झांसी से प्रदीप जैन, अमरोहा से दानिश अली, सहारनपुर से इमरान मसूद, बांसगांव से सदल प्रसाद, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और कानपुर से आलोक मिश्रा। लेकिन इन सब के बावजूद जो है हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेठी और रायबरेली का क्या होगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली वो सीट है जहां पर अब आप ये देखिए कि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रखे हैं। अब इसके बाद अगर ये दोनों सीटें भी कांग्रेस के हाथ से चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस का टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।